सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिनटेक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वीवो यू टेन का अनबॉक्सिंग। तो ये फ़ोन तो मैंने परचेस नहीं किया हूँ, ये मेरा एक भैया का है, तो उन्होंने इसको पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, लेकिन मैं इसको फिर से बॉक्स करके अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर लिखा गया यू टेन का लोगो, ऊपर है वीवो का ब्रांडिंग, राइट साइड में लिखा है इसका वेरियंट, मतलब ये 3 GB रैम और 32 GB रोम के साथ आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं IPL स्पॉन्सर्ड, टाइटल स्पॉन्सर्ड है इसका IPL। तो नीचे देख सकते सील कटा हुआ है और लेफ्ट साइड में भी आपको U10 और नीचे लिखता है IPL स्पॉन्सर्ड। तो पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस दिया गया है जिसको आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट किया गया है, जैसे कि यहाँ पे है 18 वाट का फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh का बैटरी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 और यहाँ पे ट्रिपल AI कैमरा है पीछे। सो अभी चलो इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे U10 का बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पे ऊपर हमें एक सेक्शन मिलता है जहाँ पे हम लोगों को कुछ मैनुअल और एक सिलिकॉन कवर मिलेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं वीवो का ब्रांडिंग किया गया है मिडिल में, जो कि शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है और इसके अंदर हमें जैसे ये मिलता है एक सीम इजेक्टर टूल मिलता है, कुछ मैनुअल्स मिलता है और एक सिलिकॉन केस मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिम इजेक्टर टूल है, इसको आप लोग निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो नहीं करने वाला, इसको साइड में रखते हैं और देखते फ़ोन के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते नीचे हमारा फ़ोन रखा गया है जो कि एक प्लास्टिक में रैप किया गया है। तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। तो फ़ोन हमारा यहाँ पे निकल गया और पीछे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है ये फ़ोन। हालांकि ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, लेकिन इसका देख सकते डिज़ाइन बहुत ही अच्छा देख रहा है डिज़ाइन। यहाँ पे आप लोग जब लाइट गिरेगा तो आप लोगों को यहाँ पे स्ट्राइप स्ट्राइप डिज़ाइन देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ हमें मिलता है स्पीकर ग्रिल, माइक्रो यूएसबी पोर्ट, हेडफोन जैक और एक माइक। और राइट साइड में हम लोगों को मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर्स और ऊपर की तरफ मिलता है एक नॉइज़ कैंसिलेशन माइक। और लेफ्ट साइड में आप लोगों को मिल जाता है डेडिकेटेड सिम ट्रे। तो इस फ़ोन के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है सेरामिक का फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे पीछे है ट्रिपल AI कैमरा, एकदम ऊपर वाला जो है 8 MP का वाइड एंगल कैमरा, उसके नीचे है 13 MP का नॉर्मल जो प्राइमरी कैमरा, उसके नीचे है डेप्थ कैमरा 2 MP का। तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर नज़र डाले तो हमें मिलता है एक माइक्रो USB केबल, जो कि आप लोग खोल कर दिखाता हूँ। इसका लेंथ ठीक ठाक ही है, यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो USB केबल दिया गया है, यहाँ पे टाइप सी नहीं दिया गया है। और इसके अंदर मिलता है हमें एक फास्ट चार्जर जो कि 18 वाट का है, जो कि 9V 2A है। तो चलो अभी इसके फ़ोन के ऊपर कवर को लगाए देखते हैं। मतलब मैंने जितने वीवो, ओप्पो, रियलमी का कवर देखा वो सब मतलब फ़ोन में बहुत ही अच्छी तरह से फिट होता है और ये मतलब बहुत ही स्नगली फिट होता है और ये सब कवर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करूँगा कि इसी कवर को आप लोग यूज़ कीजिए। तो जल्दी से यहाँ पे कुछ फ़ोटो खींच के आप लोगों को दिखा देता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन में, मतलब कैसा इसका कैमरा है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो हमने खींचा है और यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिटेलिंग बहुत ही अच्छा है, ये मैंने पोर्ट्रेट मोड में शायद खींचा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड में भी पोर्ट्रेट ब्लर बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। ये है इसका वाइड एंगल कैमरा के सैम्पल्स। तो यहाँ पे भी अच्छा ही फ़ोटो ये खींच लेता है, मतलब हम ये अभी इंडोर कंडीशन में है लेकिन यहाँ पे भी ये फ़ोन बहुत ही अच्छी तरह से फ़ोटो खींच लेता है। तो यहाँ पे 3 मोड्स अवेलेबल है रेजोल्यूशन के, जहाँ पे है 1080p जो कि है फुल HD और 720p HD और 480p पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट में कितना MB लेगा, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं पॉज करके। यहाँ पे देख सकते हैं 480p में 1 मिनट में कितना MB लेगा और ये सब 30 FPS पे ही रिकॉर्ड होता है। और वीडियो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे मिडिल में ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, बहुत सारे मोड आप लोग मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे फोटोज़ में भी आप लोगों को बहुत सारे मोड मिल जाएंगे जो कि आप लोग यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, मैं सारा नहीं पढ़ने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेम रेट मतलब फ्रेम सेट कर सकते हैं 4:3, 16:9, बहुत सारे रेशियो मतलब आप लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख पॉज करके देख सकते हैं वो सब चीज़ें को। तो ये फ़ोन तो मुझे अच्छा ही लगा, मतलब ये 9000 का फ़ोन है और आप लोग क्या उम्मीद करते हैं इस फ़ोन से। तो मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है इस बार वीवो ने। तो अभी चलो सेटिंग में जाकर आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि ये वर्जन मतलब कौन सा एंड्रॉइड वर्जन में रन कर रहा है। तो जैसे कि वीवो के सारे फ़ोन ही फन टच OS पे रन करते हैं तो ये फ़ोन भी फन टच OS पे ही रन करता है। रैम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे है 3 GB प्रोसेसर में से सब कुछ लिखा गया है, 2.0 GHz, फन टच OS 9.1 दिया गया है यहाँ पे और एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे पाई दिया गया है। तो यहाँ पे पाई को बहुत बार क्लिक करने से आप लोगों का कुछ एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आप लोग ड्राइंग कर सकते हैं अपने मर्ज़ी मुताबिक। तो आज का ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग आगे देखिए अच्छा लगता है तो क्या करना है।